देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और मैं हूं साक्षी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में। इंदौर में हुए बहुचर्चित संदीप तेल हत्याकांड मामले में देहरादून पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर रोहित को पुलिस लाइन गौर, 7 मार्च तक पुलिस रिमांड पर रोहित सेठी। इंदौर के डीएवीवी में फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू, एनएसयूआई कर रही इंटरव्यू का विरोध। इंदौर में बढ़ते यातायात को देखते हुए कलेक्टर, निगमायुक्त और एसएसपी ने किया शहर का दौरा, अधिकारियों ने दिए यातायात नियंत्रण करने के निर्देश। इंदौर में हुए बहुचर्चित संदीप तेल हत्याकांड मामले में देहरादून पुलिस से ट्रांजिट रिमांड पर रोहित सेठी को इंदौर ले आए हैं। घटना का मास्टरमाइंड रोहित सेठी लगातार पूछताछ में पुलिस को गुमराह कर रहा है। आज पुलिस ने उसे इंदौर के जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने रोहित सेठी का 8 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया है। विजयनगर पुलिस रोहित सेठी से 7 मार्च तक पूछताछ करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों संदीप अग्रवाल नामक व्यापारी की विजयनगर क्षेत्र में सरेराह दो शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से इसका मास्टरमाइंड रोहित सेठी फरार चल रहा था। करीब 1.5 माह बाद देहरादून पुलिस ने रोहित सेठी को चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आज पुलिस ने आरोपी रोहित सेठी को जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में 191 फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनएसयूआई के विरोध के बीच बुधवार सुबह 11 बजे इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो गई। अलग अलग विभागों में इंटरव्यू प्रक्रिया चलेगी और महीने भर में सभी पदों के लिए यह पूरी होगी। हालांकि इसमें तकनीकी प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई इंटरव्यू का विरोध कर रही है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हालांकि कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार धाकड़ साफ कर चुके हैं कि इंटरव्यू जारी रहेंगे, सारी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। कहीं नियम के विरुद्ध वो आपके सामने सिद्ध कर पाए क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हमने रोस्टर का पालन 100% किया है, और जितने पद खाली है मैंने आपके सामने पद बता दिए उनको कि इतने पद खाली है। अब उसके बाद में ये तो जबरदस्ती हंगामा करने की बात है, कोई कारण यहाँ नहीं है। जब आपको लिख के देना हो तो लिखने की बात तो लिखते नहीं है, अगर लिख के देते तो हम सबका जवाब दे देंगे। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, हमारे लोग सब लोग काम कर रहे हैं। सर आपने कहा कि ये लोग सिर्फ हंगामा करने आते हैं, हंगामा करने की वजह क्या मकसद आपको नजर आ रहा है? नहीं, हंगामा करने का मतलब ये चाहते हैं इंटरव्यू नहीं हो। और जब इंटरव्यू है दबाव बना रहा है, बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है। सर वो आरोप भी लगा रहे हैं कि आप अपने लोगों को आर्थिक मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया बाहर के लोग विशेषज्ञ आए हुए हैं आपके सामने, बाहर भी पीछे बैठे हुए विशेषज्ञ, ये बाहर के विशेष क्यों बुलाए जाते हैं? और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा वो स्वीकृत होते हैं, मेरे मन से नहीं स्वीकृत होते हैं। सर लगातार ये लोग सप्ताह में 2 से 5 दिन हंगामा करते हैं, इनको रोकने का कोई अब पुलिस बुला ली भाई, हम तो यही कर सकते हैं, आप लोग हमको सहयोग कर सकते हो। सर पुलिस के सामने तोड़ा फोड़ी हो गई, पुलिस ने कुछ नहीं कर पाया। अब ये पुलिस का काम है ना भैया, हम तो इस तरह तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं ले सकते हैं। सर विश्वविद्यालय की ओर से कोई एफआईआर लॉन्च की गई क्या अभी तक? पूर्व में की गई थी, पूर्व की गई थी हमारे द्वारा जो भी 4-5 दिन पहले। सर आप ये बताइए कि टोटल कितनी वैकेंट सीट है, और सबसे 213 हमने 213 हमने अखबार में दी है, 213 वैकेंसीज है अलग अलग सब्जेक्ट में, और कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी रखे जा रहे हैं, कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है। इंदौर में बढ़ते यातायात को देखते हुए इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने भवरकुआ क्षेत्र का दौरा किया। इस संबंध को यातायात को कैसे नियंत्रण किया जाए इसके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए। इसके चलते नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा यातायात को लेकर बैठक भी की गई। बैठक में शहर के 18 से ज्यादा ऐसे चौराहे हैं जहां पर यातायात का अधिक दबाव रहता है, इसके चलते कई बार एक्सीडेंट अधिक होते हैं। उन चौराहे पर पुलिस अधिकारियों ने सख्ती बरतने की बात कही है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। बिलासपुर जिले के ग्राम घुटकू के ग्रामीणों ने कोनी थाना प्रभारी और खनिज विभाग के अधिकारी से अवैध रेत खनन की शिकायत करना महंगा पड़ गया। शिकायत करने पर उल्टा उन्हें ही धमकी दी और झूठे आरोप लगाकर थाने में बंद करने की बात कर धमकाया गया। गांव वाले उच्च अधिकारियों से शिकायत कर करके थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा।
गांव घुटकू के पास रहने वाले भोले भाले ग्रामीण ने थाना प्रभारी और खनिज के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अधिकारी डरा धमका कर अवैध उत्खनन और वसूली करते हैं। ग्रामीणों द्वारा ऐसा मना करने पर झूठे प्रकरण में फंसा कर जेल में डालने की बात कहता है। बता दें कि ग्राम पंचायत घुटकू, निरतु, लोखंडी आदि गाँव के रहवासियों ने इनकी शिकायत भी की, इसके बाद भी इन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। भैया, बिलासपुर के किनारे पे अरपा नदी है। हम लोग अरपा बचाओ अभियान में उस समय भी साथ में आए थे भूपेश बघेल जी के, और आज भी साथ में हैं। आसपास में जैसे नीतू से लेकर लोगड़ी खरगाना तक पूरा गांव है। यहां पर अवैध रूप से रेत का उत्खनन हो रहा है, जिसमें यहां के माइनिंग जो अधिकारी हैं उत्तम खूटे जी, उनका पूरा सहयोग है। उनको कोनी थाना के जो प्रभारी हैं उनका पूरा सहयोग है। आप ग्रामीण अगर जाएंगे रिपोर्ट करवाने या फ़ोन करेंगे तो उनकी बात को नहीं सुनते हैं। उल्टा बल्कि रेत जो माफिया हैं उनके थ्रू उनको मारने का प्रयास किया जाता है, गाली बकने का प्रयास किया जाता है, झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जाता है। इससे तंग आकर 3 से 4 बार मैं आवेदन दे चुका हूँ कलेक्टर में, SP में, उसके बावजूद भी मैं आखिरी आवेदन दिया था अभी 15 तारीख को कि अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं किया जाता है, इनको स्थानांतरण नहीं किया जाता है, तो मैं 25 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने थाना सिरसिया का वार्षिक निरीक्षण कर सलामी ली। पुलिस अधीक्षक ने क्वार्टर परिवहन शाखा भोजनालय में बनने वाले भोजन के बारे में जानकारी ली। इसके बाद DCR, RCT बैरक, शौचालय का निरीक्षण कर आदेश कक्ष में सभी गार्ड रजिस्टरों को चेक किया और साफ सफाई के लिए निर्देश किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पाकिस्तान पर भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, इसको लेकर जनपद की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। जो पाकिस्तान पर भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई। इस संबंध में जनपद श्रावस्ती में पुलिस पूरी तरीके से अपनी नज़र जमाए हुए है। सभी प्रकार की गतिविधियों पर हम ध्यान रख रहे हैं। कोई ऐसी घटना इससे संबंधित रिपरकशन के रूप में जो हो सकती है, उस सब पर हमारी पहली नज़र है। हम अपना सूचना तंत्र के द्वारा और सूचना एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश। मौका हो जब खुशियों का तो लड्डू खाइए, और जब बात हो खुशियों की सवारी की तो आपकी लड्डू कैब बहुत जल्द आपके शहर में।